क्या समस्या होती है? पानी के लिए समस्या है। जिस परिवार में 10 11 12 लोग परिवार है उसमें सुबह से लेकर शाम तक पानी लिए बहुत दिक्कत होती है। और इसमें गाय के लिए भी पानी डालो, मतलब कपड़े धोने के लिए भी पानी, शौचालय के लिए भी पानी, बर्तन धोने के लिए भी पानी, सुबह से लेकर शाम तक पानी ही ढोते रहे। आदमी लोग तो नहा के मतलब चले जाते हैं, औरतें लोग ही सुबह से लेकर पानी तक ढोती रहती हैं। यहाँ पे ये भी दिक्कत है कि अपना लोग तो मतलब करवाते हैं तो मतलब अपने के लिए होता है, वो लोग मतलब वहाँ पर भी भरेंगे, अपना ही भरेंगे। यहाँ पर सरकारी है दो है, सिर्फ वो भी पानी गंदा देता है, वो भी बिगड़ जाता है कभी काल को, तो वो भी परेशानी होता है। हमारे गांव की कुल आबादी लगभग 600 यहाँ पे है पर्सनल और समस्या, और उसके बाद में बगल में लगभग 2000 लोगों की आबादी है। तो वो बगल वाले भी इसी जगह आते हैं पानी? हाँ, जब वहाँ बिगड़ जाते हैं तो वो भी यहाँ पे चले आते हैं, और यहाँ बिगड़ जाता है तो वहाँ भी लोग जाते हैं। 500-500 मीटर दूर से जाके लोग पानी लाते हैं। पानी के लिए इतना ज़्यादा जो है कि यहाँ पे लोगों को तकलीफ होती है कि कोई सीमा नहीं। नरंगा ब्लॉक के बहलोलपुर गांव में 2000 आबादी के बीच में सिर्फ 3 हैंडपंप था, जिसमें से 2 हैंडपंप खराब था और 1 हैंडपंप पे रीता चंद्रा सहित कुल 2000 के लोग पानी पीने की समस्या से काफी परेशान थे, जिसको लेकर पिछले 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो यूट्यूब पे लॉन्च हुआ तो अमेरिका में बैठे पंजाब के रहने वाले हरविंदर सिंह जी ने उस वीडियो को देखा और इस गांव में समर टेबल लगवा कर यहाँ बदलाव हुआ। शबनम दीदी जो आई हमारे गांव में पानी के लिए, हम लोग उनको बताया पानी के लिए, उसने वादा किया वो 1 महीने के अंदर वो पानी के लिए हमारे यहाँ लगवा दे टंकी और समर टेबल, 1 महीने के अंदर वो सब कुछ व्यवस्था यहाँ करके गई, और उनसे हमने बहुत खुश हैं। और उनके काम करने वाले जो साथी उनसे हम ही बहुत खुश थे कि उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा हम लोग को दी। मतलब हमारे गांव की वजह ओर से और उनकी जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद, लोग कहते हैं कि वीडियो वॉलेंटियर को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे गाँव में पानी के लिए इतना समस्या हमारा हल हुआ। आज 2000 लोग बहुत जो है कि खुश रहते हैं आपके वजह से और आपके वीडियो की वजह से। मैं और मेरा समुदाय हरविंदर सिंह जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, जिसके बदौलत इस गांव में समर सेबुल लग पाया है। मैं शबनम, वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।